अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप पावर मिरर जो सॉफ्टवेयर है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। ये एक एंड्रॉयड मोबाइल को चलाने के लिए है, आपकी स्क्रीन के ऊपर या आपके लैपटॉप के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब इसको एक्सट्रैक्ट करें और इसके फोल्डर को ओपन करें, तो इसके अंदर इसकी एक्जी फाइल को हम रन करेंगे। रन करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे सारी चीज़ें, उसके बाद नेक्स्ट, देन आपने अगर पाथ चेंज करना है तो पाथ चेंज कर दें, फिर नेक्स्ट, और उसके बाद आप शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप भी जो है उसको चेक कर दें ताकि आपको आइकॉन इसका डेस्कटॉप के ऊपर मिल जाए। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था तो आपको दिखाने और समझाने के लिए हमने दोबारा से इसको इंस्टॉल करके दिखा दिया है आपको। इंस्टॉल करने के बाद आप इसका आइकॉन डेस्कटॉप के ऊपर दे सकते हैं। हमने इसको ओपन किया है तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आप थ्रू USB इसको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वाईफाई के थ्रू। तो हमने केबल लगा के इसको कनेक्ट किया है, तो ये देखें वो पूरे अपने ड्राइवर वगैरह उठा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है स्क्रीन सॉफ्टवेयर के साथ। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं हम आपको वीडियोस में बताएंगे कि मोबाइल में कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी। लाइक आपको सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और सेटिंग्स के अंदर इसकी कुछ सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में पावर मिरर के नाम से जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो आपको वहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं शो होगा, वहाँ पे ओपन का शो होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसको हम जैसे ओपन करेंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उसके बाद सेटिंग को ओपन करेंगे और अबाउट द फोन में जाएंगे। अबाउट द फोन में जाकर बिल्ट नंबर जो है उसको हम 7 बार क्लिक करेंगे तो जो हमारा डेवलपर ऑप्शन मोड है वो ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन मोड में जाकर USB डीबग को हम ऑन कर देंगे, तो इस तरह हमारा मोबाइल जो है वो कनेक्ट होगा, अदरवाइज ये कनेक्ट नहीं होगा केबल के थ्रू। इस सॉफ्टवेयर के बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। आपने अगर गेम खेलनी है तो आप फुल स्क्रीन के ऊपर गेम को एंजॉय कर सकते हैं। आप इसके साथ कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं, प्लस आपके लिए इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी है जो फ्री है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और कोई चीज़ भी पॉइंट कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगेबान।